गुरुवार को भिलाई के चौक चौराहों पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसमें एनसीसी के कैडेट्स ट्रैफिक के जवानों के साथ मिलकर मुख्य मार्गों पर आवाजाही कर रहे वाहन चालकों को यातायात के नियमों के पालन करने के लिए जागरूक करते नजर आ रहे थे। एनसीसी कैडेट्स को उनके कमांडेंट द्वारा सभी विधाओं में निपुण करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य को समझने और करने का मौका दिया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को एनसीसी के कैडेट्स दुर्ग जिला यातायात विभाग के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यातायात व्यवस्था को संभालते और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते नजर आए। ये कैडेट्स बुजुर्ग लोगों को रास्ता पार कराते भी दिखाई दिए और हाथों में तख्तियां लेकर आम जनमानस को यातायात नियमों के पालन करने के लिए जागरूक भी करते नजर आए। यातायात विभाग के ASI हुकुम सिंह ठाकुर अपने सहयोगियों के साथ इन एनसीसी के कैडेट्स को भी मार्गदर्शन दे रहे थे कि किस तरह से यातायात व्यवस्था को बहाल किया जाता है और यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों को समझाइश दी जाती है। ASI हुकुम सिंह ठाकुर ने बताया कि एनसीसी के कमांडेंट की तरफ से आग्रह किया गया था कि एनसीसी के कैडेट्स को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने मार्गदर्शन दिया जाए, जिसके फलस्वरूप गुरुवार को एनसीसी कैडेट्स को यातायात विभाग के जवानों के साथ खड़ा किया गया। मैं हूं ASI हुकुम सिंह ठाकुर, यातायात सुबेला आकाशगंगा जोन से। आज अभियान चल रहा है कि एनसीसी के छात्र द्वारा हमारे कार्यालय से संपर्क किए, जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनके माध्यम से आम जनता को जागरूकता दिया जा रहा है कि भी बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं, तीन सवारी वाहन ना चलाएं, नशा के हालत में गाड़ी ना चलाएं। इसके संबंध में उनके द्वारा जागरूकता बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूकता दिया जा रहा है। दुर्ग पुलिस के यातायात विभाग के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बखूबी यातायात व्यवस्था को सुधारने में एनसीसी कैडेट्स ने अपना सहयोग दिया और जाना कि किस प्रकार यातायात विभाग के जवान कड़ी मशक्कत कर जिले सहित प्रदेश की यातायात व्यवस्था को बखूबी संभालते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।